हेलो स्टूडेंट, आज के एपिसोड में मैथमेटिक्स का अपन थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ रिकेश कुमार गुप्ता एंड नेक्स्ट इज माई सेल्फ कमल सिंह। तो स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फोर अप टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू। तो इसके आपको हलों की संख्या पूछी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो इनमें क्या है, देखो हम क्या सारे टर्म्स में अलग अलग में सब में मॉडुलस है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें अपने, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू एंड सो ऑन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस हंड्रेड इक्वल टू जीरो। तो इसका देखो अगर अपने ये सभी यहां पे क्या है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो यहां पे x की कोई भी वैल्यू डालो एक्सेप्ट वन, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसमें x इज इक्वल टू टू के अलावा अगर कोई वैल्यू डालें तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहां पर x इज इक्वल टू हंड्रेड के अलावा कोई वैल्यू डालें ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये जीरो कहां पे हो रहा है आपके पास में, x इज इक्वल टू वन पे हो रहा है। ये कहां पे जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू टू पे हो रहा है। तो ऐसे आपके पास में एंड x इज इक्वल टू हंड्रेड पे ये जीरो होगा, ठीक है। अब हम क्या नोट करें, देखो इनमें से आपको कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो इसमें x की वैल्यू रखने पर ये सारे की मतलब ये इक्वेशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोई कॉमन सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा यहाँ से जो x की वैल्यू यहाँ पे रखने पर दिस इक्वेशन मतलब ऑल द टर्म्स साइमल्टेनियसली मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो ऑफ इक्वेशन जीरो। तो आपके पास में आंसर क्या हुआ इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस पार्ट। आपको एक क्वाड्रेटिक का रेशनल एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, एक्सप्रेशन गिवन है आपको, इसको लेट करते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब देखो इसके बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को करने के टू ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो क्या है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सबको जब वन साइड में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या कर सकते हो, उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसको सॉल्व करोगे तो इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की पता चल जाएगी y की। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो देखो आप, सेकंड मेथड क्या है, इसमें क्या करो आप, इस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को इस फॉर्मेट में लिखो, इसको तो इसके साथ एक साथ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, इसको इससे सेपरेट डिवाइड करो, दिस पार्ट को दिस से सेपरेट डिवाइड, तो ये आ गया वाई इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज वन प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। अब इसमें एक काम करो, आप डिनोमिनेटर से x कॉमन लोगे तो इससे x कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया y इक्वल टू वन प्लस फोर एक्स अपॉन x कॉमन, तो x प्लस आ गया नाइन वाई एक्स। बट एक बात सुनो सभी, आप x से x कैंसिल कर सकते हो, बट इफ x इक्वल टू जीरो, आपने x से x कैंसिल किया तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आप वेरिएबल को कैंसिल कब कर सकते हो, जब x या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। तो इफ x जीरो होगा तो एक काम करो, x जीरो पे आप y की वैल्यू डायरेक्ट चेक कर लो क्वेश्चन में, तो जब आप x को जीरो पुट करोगे इसमें तो y क्या आएगा, वन। इसका मीनिंग क्या है कि जब x को जीरो पुट करने पे y वन है, तो इसका मीनिंग इसकी रेंज में वन को इंक्लूड करना आपको, ठीक है। अब आप क्या करो उसके बाद देखो, दराओ ये x से x कैंसिल, तो क्वेश्चन रह गया आपका y इक्वल टू वन प्लस फोर अपॉन x प्लस नाइन वाई एक्स। अब देखो स्टूडेंट इसके बाद क्या करना है, ये x और 9yx ये क्या रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इस y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करो, क्योंकि तो इस y की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो डिपेंड्स ऑन दिस पार्ट, तो आप इसमें एम जीएम से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बात सभी ध्यान रखना, x अगर पॉजिटिव होगा टू नंबर के लिए कंडीशन है कि इफ टू नंबर्स आर पॉजिटिव देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम एंड टू नंबर्स आर नेगेटिव देन एम लेस देन इक्वल टू जीएम। तो इफ x इज पॉजिटिव, x अगर आपका पॉजिटिव है तो am की वैल्यू क्या होगी, gm से ग्रेटर, तो इससे आ जाएगा x plus 9yx upon 2 greater than equal to root
दिस इनटू दिस, तो एक्स एक्स कैंसिल तो 3 आ गया ना, तो टोटल आ गया 6 अपॉन में 2 होगा और ये आ गया 3 रूट एवी, तो 6 आ गया, मतलब x पॉजिटिव है तो उसकी जो रेंज है वो क्या होगी 6 और 6 से ग्रेटर। तो इसके अकॉर्डिंग देखो y की रेंज क्या होगी, तो ये आ गया y बिलोंग्स टू, ये डिनोमिनेटर में है तो जब आप इसकी वैल्यू मिनिमम लोगे तो y होगा मैक्सिमम, तो 6 पुट करो तो 4y6 = 2y3, 1 + 2y3 आ गया बेटा 5/3, तो ये तो उसकी कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम, इस पे लगा दो क्लोज ब्रैकेट, और दिस पार्ट की वैल्यू कहां टेंड करेगी इनफिनिटी तक मैक्सिमम, तो 4/0 तो y आ गया मिनिमम 1, एक बार 1 पे लगाओ ओपन, तो इसके अकॉर्डिंग तो दिस आ गया। सेकंड केस में क्या करोगे, इफ x लेस देन 0 तो am लेस देन gm होगा, तो इस केस में आ जाएगा x प्लस 9yx लेस देन इक्वल टू माइनस am लेस देन इक्वल टू माइनस gm करना आपको। तो दिस केस में क्या करोगे आप, देखो इस बार इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू -6 है, तो मैक्सिमम पुट करोगे तो y आएगा आपका मिनिमम, तो आ गया y बिलोंग्स टू, देखो मिनिमम वैल्यू पुट करोगे मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे -6, तो 4/-6 -2y3 1-2y3 आ गया 1/3, ये तो आ गया 1/3, और इसकी मिनिमम वैल्यू लोगे -infinity तो 4/-infinity 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो दिस आ गया। तो इसका फाइनल रेंज क्या मिलेगी आपको, 1/3 से 1 यूनियन 1 से 5/3, और देखो आपने लिखा है कि x 0 पे y 1 है, तो 1 को भी रेंज में इंक्लूड करना है, तो उसकी फाइनल रेंज लिखोगे y बिलोंग्स टू 1/3 से 5/3। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, तो 5/3 माइनस 1/3 क्या होगा बेटा 4/3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट अल्फा बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + kx + k² + 2k - 4 = 0, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ α² + β² =, तो आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है सर, ठीक है, और इसके रूट्स आपको क्या बताए हुए अल्फा बीटा है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी है किसकी, α² + β² की। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे इसमें α² + β² इसको अपने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, α + β² - 2α β, तो α + β सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, इसमें सम ऑफ द रूट्स -k हो गए, तो उसमें -k इसकी वैल्यू डाल दो तो k² तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा आपके पास में α β k² + 2k - 4, तो वो वैल्यू इसमें डालेंगे, तो ये आपके पास में k² + 2k - 4, क्लियर है। अब इसको देखो आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये -k² - 4k। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, क्लियर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां पे अपने क्या करेंगे -4 और +4, तो अब आपके पास में 12 माइनस आपके पास में k + 2² आ गया, क्लियर है। तो आपको पूछा क्या है α² + β² की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, वेन k = -2, तो वेन k = -2 α² + β² दिस विल बी मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 12 है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4th one। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू सर, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2k - 1 * x + k² + 2 = 0 इज 1:2। क्या बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट का रेशियो है 1/2 है, देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k, तो आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे, आप लेट करो कि लेट इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो आपको गिवन है α/β = 1/2, तो क्या करें देखो आप 1 को इधर और बीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ गया α/1 = β/2, ठीक है, α/1 = β/2 है, इसको लेट कर दो कि लेट दिस पार्ट इक्वल टू लैम्डा, कि लेट α/1 = β/2 = λ, तो इससे अल्फा तो आ गया बेटा लैम्डा कॉमा बीटा की वैल्यू मिल चुकी है आपने पास 2λ। अब क्या करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट क्या लिखोगे बोलो, α + β = -2k - 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 1 - 2k, अल्फा आपका लैम्डा है बीटा 2λ है, तो इससे क्या मिल गया 3λ = 1 - 2k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या होगा बोलो, इस क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ए इसका वन है तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस टू। आफ्टर दैट अल्फा क्या है, लैम्डा बीटा टू लैम्डा है, तो इनकी वैल्यू पुट करो तो आ गया टू लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस टू। अब आप क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको लैम्डा का एलिमिनेशन करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू को इधर पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में, तो ये आ गया टू ब्रैकेट क्या है लैम्डा की वैल्यू वन माइनस टू के बाई थ्री, तो वन माइनस टू के बाई थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस टू। अब क्या करना है देखो, ये थ्री अपॉन में है तो स्क्वायर ओपन करोगे तो नाइन, तो नाइन को इधर मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो ये आ गया टू ब्रैकेट स्क्वायरिंग करो तो आ गया वन प्लस फोर के स्क्वायर माइनस फोर के इक्वल टू क्या नाइन के स्क्वायर प्लस एटीन, नाइन के स्क्वायर प्लस एटीन, तो देखो क्या गया एट के स्क्वायर उसको उधर शिफ्ट करो तो ओनली आ गया के स्क्वायर माइनस के एट के, तो प्लस का क्या हो गया बोलो एट के, ये प्लस के टू उधर जाके माइनस के टू तो आ गया प्लस के सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। और ढंग से देखो क्या चीज है, ये के प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो इसको सोल्व करने पे आ गया के इक्वल टू माइनस फोर। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस क्वाड्रेटिक के रूट का रेशियो गिवन है वन रेशियो टू, तो आप इसका डी और चेक कर लो, तो जब इसका भाई सिंपल सी बात है इसके रूट रियल है तो इसका डी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आप ध्यान रखें थोड़ा, जब डी ग्रेटर देन जीरो करोगे तो इससे आपको के मिलेगा शायद के लेस देन माइनस के सेवन बाई फोर, ये आप देखना घर पे, तो जो भी आपका आंसर है ना वो माइनस सेवन बाई फोर से लेस होना चाहिए, तो देखो जो आपका आंसर है माइनस फोर ये इस कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो फिर जो के इक्वल टू माइनस फोर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो देखो फिर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट सो एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इनटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो सो देन ए बी सी डी आर इन, तो आपको एक ये इक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे रखा है, तो इसे इसमें क्या आपके पास में ए बी सी डी और पी में एक रिलेशन दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू जीरो, तो अब आपको यह बताना है कि ए बी सी डी किस में है, तो आप थोड़ा सा इस इनइक्वालिटी को बेटा सिंप्लीफाई करें, तो देखें इसमें क्या है, ये आपके पास में तीन टर्म का यहाँ पे परफेक्ट मतलब उनके परफेक्ट स्क्वेयर का सम है, तो देखो कैसे मैं यहां से क्या ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर और माइनस यहां से अपने क्या लेंगे फिर इसमें ये टू ए बी और फिर इधर से बी स्क्वेयर ले लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू ए बी पी प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे इस फॉर्म में लिख लेंगे माइनस टू बी सी पी प्लस सी स्क्वायर और प्लस स्क्वायर पी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस माइनस टू यहां से आएगा आपके पास में टू सी डी पी सी डी पी प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो। अब अपने पास में ये किसका होल स्क्वायर आ गया ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर आ गया, सो दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ बी पी माइनस सी होल स्क्वायर एंड दिस इज सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है, अब अपने पास में ये तीन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम आपके पास में लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो ये आपके पास में दिस कैन नेवर बी लेस देन जीरो, तो ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बट यहां पे कंडीशन आपको ये दे रखी है लेस देन और इक्वल टू जीरो, या तो इक्वल टू जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, तो लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि दीज आर थ्री टर्म्स विल बी इक्वल टू जीरो, तो ये सारे के सारे सेपरेटली किसके इक्वल होंगे जीरो के, तो यहां से आपके पास में ए पी माइनस बी इक्वल टू जीरो एंड बी पी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो एंड सी पी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपके पास में देखो ये किसके इक्वल आ रहा है ए अपॉन डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी, तो सिमिलरली यहां से आप क्या निकालोगे बी अपॉन सी इक्वल टू वन बाय पी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी, सो ये सारे के सारे टर्म किसके इक्वल आ गए वन बाय पी के इक्वल आ गए। ठीक है, तो ए अपॉन बी बी अपॉन सी सी अपॉन डी, सो दीज आर इन जीपी, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्लियर है, तो ये आपके पास में जीपी में आ गए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन सिक्स क्या है, लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर प्लस, मतलब अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव नंबर है, एल एन थ्री की पावर अल्फा कोमा एल एन थ्री की पावर बीटा कोमा एल एन थ्री की पावर गामा फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये जो थ्री नंबर से वो जीपी में है। इफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रूट अल्फा अपॉन गामा माइनस रूट गामा अपॉन अल्फा ही, मतलब आपको दिस पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट, सॉरी दिस पार्ट इज नॉट लेस देन, मतलब इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर होगी। तो देखो कैसे ट्राई करना है क्वेश्चन को, ये बात ध्यान रखना सभी, आपको दिस कॉमा दिस कॉमा दिस किस में बोले गए, बोलो जीपी में, एल एन थ्री की पावर अल्फा कोमा एल एन थ्री की पावर बीटा कोमा एल एन थ्री की पावर गामा इन जीपी। तो एक मेथड तो क्या है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड कर सकते हो आप, तो उससे आपको मिल जाएगा कि अल्फा बीटा गामा इन एपी। और एक मेथड क्या है वो सुन लो सभी, जैसे लेट वन कोमा टू कोमा थ्री ये आपके एपी में है और आप इन तीनों नंबर पे कोई पावर राइज करते हो, जैसे लेट मैंने सबको टू की पावर कर दिया तो क्या आ गया, टू की पावर वन टू की पावर टू और टू की पावर थ्री, तो ये किस में होंगे बेटा जीपी में, क्यों क्योंकि टू फोर एट है तो ये जीपी में है। तो इसमें देखो आप ये जो एल एन थ्री एल एन थ्री एल एन थ्री क्या है, ये कॉन्स्टेंट है ना, तो जब अल्फा बीटा की पावर एल एन थ्री लगाओगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे जीपी का, तो इससे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जो अल्फा बीटा गामा है ये किस में होंगे बेटा एपी में, और आप प्रॉपर करोगे तो इससे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि जो अल्फा बीटा गामा है ये आपके एपी में है, तो अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इन एपी देन इससे क्या रिलेशन लिखोगे, टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब क्या बोला गया है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या रियल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल है तो कंडीशन क्या लिखते हैं अपन, D greater than equal to zero. Quadratic equation की root real है, तो क्या लिखोगे D greater than zero. और quadratic equation क्या given थी? Alpha x square plus beta x plus gamma equal to zero. तो b square minus 4 इसी चीज से आ गया. Beta square minus 4 alpha gamma greater than equal to zero. अब देखो जो आपको value की बात की गई absolute value की, उसमें only gamma और alpha का use है. तो आप क्या करो उसमें से पहले beta को eliminate करो. तो बीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, इस रिलेशन से बीटा की वैल्यू पुट करो आप, अल्फा प्लस गामा वाई टू का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा गामा ग्रेटर देन जीरो, टू का स्क्वायर तो फोर और फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 16 अल्फा गामा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसकी स्क्वायरिंग ओपन करो तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस टू अल्फा गामा और माइनस 16 है तो हो गया माइनस के 14 अल्फा गामा, तो ये आ गया बेटा अल्फा प्लस सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस गामा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा गामा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जो आपसे वैल्यू पूछी गई है वो देखो किस फॉर्मेट में है, अल्फा अपॉन गामा माइनस गामा अपॉन अल्फा का रूट, तो देखो कैसे करना चाहिए इसको, देखो अल्फा और गामा बोथ आर पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन में अल्फा और गामा बोथ आर पॉजिटिव नंबर, तो आप इसको अल्फा इनटू गामा से डिवाइड कर दो ईच टर्म को, तो ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू गामा, तो ये क्या आ गया बोलो, अल्फा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन अल्फा माइनस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखो इसको, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट अल्फा अपॉन गामा माइनस रूट गामा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, देखो इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन अल्फा और माइनस टू आ गए, तो माइनस टू है तो आप इसमें क्या करोगे, माइनस टू ले लेंगे तो प्लस टू करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, और जब इसका रूट लोगे तो आ गया मोड, जब भी इसका रूट लेते तो क्या लगाते हैं मोड, तो मोड ऑफ अल्फा अपॉन गामा माइनस गामा अपॉन अल्फा का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट थ्री। तो आपके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज टू रूट थ्री से ग्रेटर होगी। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज नॉट लेस देन, किससे लेस नहीं हो सकती, तो फोर से लेस नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, टू रूट थ्री से ग्रेटर है, इनसे भी ग्रेटर होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फोर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें
If alpha beta gamma are such that the alpha plus beta plus gamma is equal to 2, alpha square plus beta square plus gamma square is equal to 6, and alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equal to 8, then we have to find out the value of this under root of 2 alpha raised to 4 plus beta raised to 4 plus gamma raised to 4. इसकी value निकालनी है. थोड़ा सा calculation है, इसमें lengthy है, तो इसको ध्यान से देखें. तो पहले मैं ये relation ले रहा हूँ. alpha plus beta plus gamma is equal to 2. इसका स्क्वेयरिंग करें तो स्क्वेयरिंग करने पर आपके पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. क्लियर. अब इसका जब आपने स्क्वेयर किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो 2 अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 4 इस फॉर्म में आ गए. इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी six. है six. तो यहाँ पे 6 दे रखी है, तो 6 प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 4. अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो इसमें इसको उधर ले जाएं माइनस 2, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गई. क्लियर है. यहां से अब अपने क्या करेंगे, इस रिलेशन को लेते हैं. ठीक है, तो इसमें देखो मैं किस फॉर्म में बता रहा हूं. अब अपने को ये पता है, एक सिंपल फैक्टराइजेशन आपको पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. क्लियर है. और इधर आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, तो इस फॉर्म में आएगा. ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आपके पास में 8 है. अपने को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, माइनस 3 अल्फा बीटा गामा. क्लियर है. अब मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस फॉर्म में आ जाएगा. तो देखो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास में 2, दिस इज इक्वल टू 2. और ये डायरेक्ट 6 पुट कर दो सर, इसकी डायरेक्ट 6 पुट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसको, ये आपके पास में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. क्लियर है. अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, उसकी वैल्यू डालो तो 8 माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, सो दिस इज 2. इसकी वैल्यू अपने पास में 2 है तो ये 4 हो गया, तो 3 इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है, ये आपके माइनस 1 है, तो ये आपके पास में माइनस 1, तो 7 14 हो गया. ठीक है, तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल आएगा, माइनस 2 के आएगा. इस वैल्यू को भी अपने यूज करेंगे. क्लियर है. तो अब देखें नेक्स्ट, इसमें इस पार्ट को ले लेते हैं. अब इसमें देखो अल्फा रेस्ट ऑफ 4 प्लस बीटा रेस्ट ऑफ 4 प्लस गामा रेस्ट ऑफ 4, तो इसको अपने किस फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होल स्क्वायर. क्लियर है. तो माइनस टू, इसमें इनका क्या आएगा आपके पास में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इस फॉर्म में आएगा. अब देखो इसको फिर आपको क्या लिखना है, वही जैसे ए, इसमें अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिखना है. तो इसकी वैल्यू अपने को पता है, इसकी वैल्यू कितनी, 6 है हमारे पास में, तो ये 36 आ जाएगा माइनस 2. इसको मैं देखो किस फॉर्म में लिखता हूं फिर, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब देखो इसमें देखो जो आपके पास में क्या आएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इस फॉर्म में आएगा. क्लियर है. तो यहां से आपके पास में अल्फा बीटा गामा कॉमन आ गया, इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी माइनस 1. क्लियर, माइनस 1 है इसकी, तो 36 माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 1, तो 1 हो गया इसमें. इसको फिर आप क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस फॉर्म में आएगा बेटा. ठीक है, तो ये 36 माइनस 2 सो 1, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है माइनस 2, तो ये प्लस का 4 हो गया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2 है, तो 2, तो ये आपके पास में 9 18 हो गया. तो 36 माइनस 18 दिस इज 18, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 18 आ गई. तो यहां पे 18 डालोगे सो अंडर रूट 2, तो ये आपके पास में किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में 2 इनटू 18, सो दैट इज इक्वल टू 6. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन. क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू सर,
क्वेश्चन नंबर 8, द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट, आपको एक मॉडुलस इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के टू ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो क्या है, पहले आप मोड को ओपन करो, तो मोड आपका 2 की पावर 2009 पे 0 है, तो 1 केस तो लेट करो, एक्स लेस देन 2 की पावर 2009, तो ये बनेगी एक्स में क्वाड्रेटिक, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। और सेकेंड केस लिखोगे एक्स ग्रेटर देन 2 की पावर 2009, तो ये मोड आपका प्लस के साथ ओपन होगा और अगेन ये एक्स बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो और फिर बाद में दोनों का क्या ले सकते हैं, डिफरेंस। और इसको करने का एक मेथड और है, वो देखो क्या हो सकता है, क्या करो उसमें, देखो आप एक्स स्क्वायर पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 की पावर 2010 है, इसमें से एक 2 करो आप सेपरेट, तो 2 डॉट 2 की पावर 2009 एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर 2009 का मॉड प्लस प्लस, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड कर सकते, तो आ गया 2 की पावर 2018 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इधर देखो सभी एक्स स्क्वायर दिस पार्ट और दिस पार्ट, देखो ये किसका होल स्क्वायर बन चुका है, ये होल स्क्वायर बन गया बेटा एक्स माइनस 2 की पावर 2009 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ठीक है, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर 2009 का मॉड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप इधर देखो सभी, ये दोनों पार्ट सेम है, तो थोड़ी देर के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन टी, तो लेट टी स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर 2009 को बेटा आप कंसीडर करो टी, तो क्वेश्चन आ गया टी स्क्वायर प्लस मॉड टी माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन आ गया बोलो, टी स्क्वायर माइनस मॉड टी सॉरी प्लस मॉड टी माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये आपको पता होना चाहिए कि टी स्क्वायर को आप मॉड टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मॉड टी स्क्वायर, तो देखो ये टी मॉड टी में क्वाड्रेटिक है, तो इसके फैक्टर होंगे बेटा मॉड टी प्लस 2 इनटू मॉड ऑफ टी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस पार्ट 0 एंड दिस पार्ट 0, तो इसको 0 करोगे तो इससे आ गया मॉड टी इक्वल टू माइनस टी, तो देखो क्या मॉड टी की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नो, तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग, तो ओनली इससे आ गया मॉड टी इक्वल टू 1, मॉड टी इक्वल टू 1, तो टी का मीनिंग आ गया प्लस माइनस में, तो टी आपका आ गया बेटा प्लस माइनस 1, और टी का मीनिंग क्या है, एक्स माइनस 2 की पावर 2009, तो एक्स माइनस 2 की पावर 2009 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो इस 2 की पावर 2009 को राइट में शिफ्ट करोगे और बाद में लेना टेकिंग प्लस माइनस, तो टेकिंग प्लस पे तो एक आ गया एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 2009, और टेकिंग माइनस पे आ गया एक्स इक्वल टू 2 की पावर 2009 माइनस 1, तो ये आपके टू रूट है इसके, तो इनका जब डिफरेंस लोगे तो ये तो कैंसिल, तो 1 माइनस माइनस 1 क्या हो गया 2, तो इसने ये पूछा कि इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बेटा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन है जेईई मेन में भी आया हुआ है पहले, ठीक है, तो इसमें द प्रोडक्ट ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इसके जो रियल सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस के उनका प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो देखो इसमें तो इक्वेशन क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, क्लियर है, तो देखो पहले आपके पास में यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं पहले तो वो बता रहा हूं आपको, ये 0, ठीक है, वो x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू जो निकालोगे उस वैल्यूज के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0:0 नहीं बनना चाहिए, तो अगर आपके पास में x की जो वैल्यू जाती है यहां पे उसके लिए ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तो फिर आपके पास में वो वहां से इसके रियल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो ठीक है, फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट, क्या चेक करना है, ये 1 हो जाए, ठीक है, इसको 1 के इक्वल रखना है, तो 1 के लिए आपके पास में जब ये 1 रखोगे तो इसमें ये आपके पास में क्या होगा, चाहे कुछ भी हो, तो 1:0 भी हो सकता है, 1:-1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जब 1 होगा आपके पास में उसमें इसके रूट्स निकाल लेंगे तो इसकी x की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी।
ठीक है, तो वो आपके पास में क्या नहीं आना चाहिए, आयोटा के फॉर्म में नहीं आए, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो उसके अपने रूट्स क्या होने चाहिए, रियल, वो देख लेंगे, अभी चेक कर लेंगे। फिर एक ऐसा होना चाहिए कि भी ये आपके पास में माइनस वन हो जाए, जब माइनस वन के इक्वल रखोगे तो ये वैल्यू उसमें, जब एक्स की वैल्यू इसमें डालेंगे वो जो इसके रूट आएंगे, तो ये सम बनना चाहिए, अगर ये सम बनता है मतलब इवन बनना चाहिए, तो वो भी एक रियल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें अपने पास में ये तीन कंडीशन है, तो अपने तीनों कंडीशंस के लगा के अभी देखते हैं, अपने इसके रियल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया था, ये आपके पास में जीरो, जीरो। तो देखो व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, थ्री एंड टू, क्लियर है। अब देखो एक्स की वैल्यू यहां पे जब डालेंगे तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, देखो फोर एक्स इज इक्वल टू टू, दिस पार्ट इज दिस बेस बिकम्स जीरो, तो इसको अपने नहीं लेना, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास में x इज इक्वल टू थ्री, थ्री पे देखो आपके पास में ये नहीं बन रहा, आपके पास में जीरो, तो ये आपके पास में नॉन जीरो आ रहा, तो ये एक आपका एक सॉल्यूशन हो गया, इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया, क्लियर है। अब इसमें इसकी बात करते हैं, अपने पास में देखो, तो व्हेन बेस इक्वल टू वन, बेस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वन, ये ऐसा आ जाए, तो अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट तो आपके पास में इमेजिनरी तो होंगे नहीं, क्योंकि डी इसका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, क्लियर। तो इसमें आप सीधा ही क्या है, वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो आप इसके रूट्स का प्रोडक्ट ही ले लो, क्लियर। तो इसका आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, आपके पास में माइनस वन, तो इसको भी यूज करना है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्या आपके पास में, व्हेन बेस स्क्वायर बेस क्या हो जाए, माइनस वन हो जाए, मैंने ये बताया था। अब अपने पास में देखो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू वन। अब ये x is equal to 1 के लिए ये आपके पास में इवन बनना चाहिए, तो देखो ये इवन बन रहा है आपके पास में, तो 7 1 plus 6 7 7 minus 5 तो 2 आ रहा है, सो दिस इज आल्सो योर वन सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन, क्लियर है। तो यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस, इनका सबका प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट लिया तो आपके पास में 3 तो माइनस वन इंटू वन इंटू वन, सो प्रोडक्ट इज हियर सो माइनस 3, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइनस 3 थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 10 क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस टू प्लस टू ए माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज द इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, देन द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो आपको एक ही इंटीग्रल वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है। देखो कैसे ट्राई करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन है कि जो ए आया आपका वो क्या बोलो इंटीजर, तो एक बात देखो सभी स्टूडेंट कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपके क्या हो इंटीजर, तो उसकी कंडीशन क्या है, इधर आओ सभी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो इसमें ऑलरेडी 1 है, तो इसमें टोटल 2 कंडीशन है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आपका 1 होना चाहिए, और x का कोफिशियंट और जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये आपकी ऑल्सो इंटीजर, तो जब क्वेश्चन में मेंशन है कि a आपका इंटीजर है तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इंटीजर, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशियंट है वो ऑलरेडी इंटीजर है और x स्क्वायर कोफिशियंट ऑलरेडी 1 है, तो ये कंडीशन तो इसमें ऑलरेडी फुलफिल है, तो आपको ओनली एक कंडीशन यूज करनी है कि जो उसका d है इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए एक इंटीजर नंबर का, तो देखो सबसे पहले इसका डी लिखते हैं अपन, इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसका बी कितना माइनस ए प्लस टू, व्हाट इसका स्क्वायर तो आ गया ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू ए माइनस फाइव, ठीक है। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते तो डी कुल लिखोगे ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर ए माइनस एट ए माइनस के फोर ए और प्लस के ट्वेंटी और फोर ये 24 आ गया, तो ये इसका क्या डिस्क्रिमिनेंट, ये जो d है ये क्या होना चाहिए मस्ट बी परफेक्ट इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको आप लेट कर दो कि लेट दिस पार्ट इक्वल टू m स्क्वायर, इसको क्या लेट कर देते हैं अपन m स्क्वायर, और m इसमें बेटा क्या होगा इंटीजर होगा, बस ध्यान रखो। अब एक काम करो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ आप, तो a स्क्वायर माइनस 4a इसमें से 4 सेपरेट लो आप, तो ये बन गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू m स्क्वायर। अब एक काम करो a माइनस टू की स्क्वायर को जब राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये आ गया एम स्क्वायर माइनस ए माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 20, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसके बाद
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं अपन माइनस एम प्लस ए माइनस टू प्लस के साथ, और माइनस टू तो आ गया एम माइनस ए प्लस टू इक्वल टू 20। अब इसके बाद देखो बेटा क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में एम भी आपका इंटीजर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए भी आपका क्या इंटीजर, तो एम एंड ए बोथ आर इंटीजर, तो जब ये दोनों इंटीजर हैं तो ये जो ब्रैकेट है ये भी कैसा होगा इंटीजर, और जो सेकंड ब्रैकेट है ये भी कैसा होगा इंटीजर, तो टू इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो आपको 20 लाना है। तो देखो ये किस केस में पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा समझना इसको ढंग से, ये जो 20 है इसके क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो 1 into 20 हो सकता है, एक 2 into 10 हो सकता है, एक 4 into 5, और उनके बाद वो रिवर्स कर सकते हैं और दोनों को माइनस भी दे सकते हो, बाद में देखना आप। अब इधर सुनो आप, जैसे लेट आपने इसको 1 लेट किया, और इसको जब इसको 1 लेट करोगे तो इसको 20 लेट करोगे, इसको 2 लेट करोगे तो इसको 10 लेट करोगे, और इसको 4 लेट करोगे तो इसको 5 लेट करोगे। तो देखो आप एम और ए की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप इधर देखो सभी दोस्तों, अपन लिख सकते हैं एम प्लस ए माइनस टू इक्वल टू समथिंग, अभी लिखते हैं बाद में, और ये आ गया एम माइनस ए प्लस टू इक्वल टू समथिंग। अब थोड़ा केयरफुली समझना, तो आप इधर लेट आपने दिस पार्ट को 1 लेट किया, दिस पार्ट को 20 लेट किया, फिर आप m की वैल्यू के लिए क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, तो देखो ऐड करने पे क्या आने वाला है, प्लस a से a कैंसिल और माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, तो ये बेटा आ गया 2m। अब एक बात बताओ, लेफ्ट में 2m है और m आपका इंटीजर है, तो राइट साइड में जो वैल्यू वो कैसी होनी चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। तो जब आप दिस इंटू दिस का जो प्रोडक्ट है वो 1 into 20 लोगे, तो क्या 1 और 20 का सम इवन आ सकता है क्या, नो, तो ये केस तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। सिमिलरली 4 और 5 है, इसको 4 और इसको 5 लिया तो सम क्या होगा 9, तो 2m equal to 9, तो m क्या होगा नॉन इंटीजर, तो ये दोनों केस तो आपके फॉल्स हैं। तो इसमें ओनली इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 20 है और बोथ आर इंटीजर, तो इसमें ओनली टू पॉसिबिलिटी है कि आपने इसको 2 लिया तो उसको 10 ले सकते हो, या इसको 10 तो उसको 2 ले सकते हैं। तो देखो क्या करना है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 2m equal to आ गया 12, तो m equal to क्या आ गया बेटा 6। अब जब m को 6 पुट करोगे, तो चलो अपन इस इक्वेशन पुट कर देते हैं m को 6, तो 6 प्लस 2 8, तो a माइनस 8 सॉरी 8 माइनस a इक्वल टू 10, देन इससे आ गया a इक्वल टू माइनस के 2, क्या आ गया बोलो, a इक्वल टू माइनस के 2, एक बार अगेन देख लो 6 प्लस 2 8, तो a इक्वल टू आ गया माइनस के 2, या तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर, हां ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन क्या अपने पास, देखो इसको आप कंसीडर करो 10 और इसको कंसीडर करोगे 2, तो ऐड करने पे तो m तो अगेन 6 आने वाला है, बट आपने इसको 2 लिया तो ये क्या बन गया अगेन, बोलो m को तो 6 ही पुट करना है ना, तो ये आ गया 8 माइनस a इक्वल टू 2, देन इससे आ गया a इक्वल टू 6, तो इससे a की 2 वैल्यू मिली माइनस 2 और 6। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप 2 की सॉल्व हो ना, माइनस 2 माइनस 10 और माइनस 10 और माइनस 2, तो उनको भी सॉल्व करोगे ना तो बेटा सेम वैल्यू जाती है दोनों में, ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इससे ओनली a की 2 वैल्यू है माइनस 2 और a इक्वल टू 6। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, तो माइनस 2 और 6 का सम क्या होगा बेटा 4, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें देखो, लेट a b c बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स है सच दैट द bx स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अंडर a plus c whole square plus 4b square into x plus a plus c greater than equal to 0 for all x belongs to R, then a, b, c are in, तो फिर आपको a, b, c बताना है किस में है। तो देखो पहले इसमें आपको ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा a, b, c क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास में b पॉजिटिव है, क्लियर है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब इस टाइप की जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्लियर है। तो अब आपके पास में जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो आपके पास में पॉजिटिव है, तो इसका अगर अपने ग्राफ की तरह ग्राफ को अगर इसके सोचें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको अपने ले लेते हैं, तो इसका ग्राफ आपके पास में इस टाइप का आएगा, इक्वल टू 0 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये यहाँ पे 0 भी होगा, क्लियर है, तो इधर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो ग्राफ विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका जो मुंह है ऊपर की तरफ होगा, क्यों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास में पॉजिटिव है। तो अब अपने इसके डी की बात करते हैं, क्लियर है, तो डी फॉर दिस इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर है, तो ये आपके पास में क्योंकि
यहाँ पे इक्वल टू जीरो तब होगा जब इसके दोनों रियल रूट्स इक्वल होंगे, और अगर आपके पास में लेस देन जीरो है तो इस केसेस में आपके पास में ऊपर भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। तो इस केस में आपके पास में डी लेस देन जीरो हो गया, क्लियर है। तो दोनों को इसमें डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो दोनों को कंबाइन किया तो भी है दिस कंडीशन, क्लियर है। तो अब देखें अब इसमें तो डी इसका डी निकालते हैं तो आपके पास में डी क्या आ रहा है, सो अंडर ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस फोर बी सो ग्रेटर देन, मतलब दिस इज अंडर ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फोर बी ब्रैकेट में लिखो ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो ये मैंने अभी आपको बताया था मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, क्लियर है। तो वो दोनों आपके पास में रहेंगे। तो अब इसमें देखो इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आता है, ये इसका रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू ए सी प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी फोर ए बी माइनस फोर बी सी लेस देन लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये आपके पास में ए प्लस सी माइनस टू बी का होल स्क्वायर है, तो दिस इज ए प्लस सी माइनस टू बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास में लेस देन जीरो तो नहीं हो सकता, सो ओनली वन पॉसिबिलिटी अराइजेस हियर दैट दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये किसके इक्वल होगा, आपके पास में जीरो के इक्वल। सो यहां से आपके पास में ए प्लस सी माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो ए बी सी आर इन ए पी ए पी से आगे टू बी इक्वल टू ए प्लस सी देन ए बी सी आर इन ए पी ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी दिस इंप्लाइज हियर ए बी सी आर इन ए पी। सो ऑप्शन आंसर टू दिस इज सेकेंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। इफ द एक्सप्रेशन आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वन डिग्री पॉलीनोमियल ऑफ एक्स देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये आपका क्या होना चाहिए, वन डिग्री पॉलीनोमियल एक्स का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को चेक करना है कि ये एपी जीपी एचपी या एजीपी में होंगे। तो इधर देखो सभी, कोई भी आपको लेट एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए वन डिग्री पॉलीनोमियल। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, जैसे लेट एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा है तो सेकेंड फैक्टर भी आपका क्या होना चाहिए एक्स माइनस अल्फा। तो उस केस में क्या बन जाएगी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन यही बोला गया ना कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इस बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वन डिग्री पॉलीनोमियल, मतलब इस दो इसके दोनों फैक्टर सेम होंगे उसी केस में बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अपन इसका रूट ले सकते हैं और इसने डिग्री वन बोला है तो हाँ इसकी डिग्री क्या वन। तो इधर देखो सभी, एक्सप्रेशन के केस में इसके बहुत फैक्टर सेम होंगे तो ये आ गया एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अगर आप इसको इक्वेशन लेट करते हो बाई चांस इस पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक को इक्वेशन लेट करोगे तो इधर भी इक्वेशन बनाओगे तो जीरो, तो ये भी जीरो, तो इससे आ गया x इक्वल टू अल्फा। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वन डिग्री पॉलीनोमियल तो उसके बोथ रूट्स क्या होंगे इक्वल, और जब बोथ रूट्स इक्वल होंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या होगा जीरो। अपन इसको इक्वल टू करके क्या बोल देते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डी क्या होना चाहिए जीरो। तो एक मेथड क्या हो गया कि इसका जब डी जीरो होगा उसी केस में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वन डिग्री पॉलीनोमियल। अब आपका डी जीरो है तो एक ऑप्शन तो क्या है, आप आराम से बी स्क्वायर माइनस फोर सी को जीरो करो तो उससे ऑटोमेटिक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का आइडिया लग जाएगा कि वो किस में होंगे। और देखो शॉर्टकट मेथड क्या, इधर देखो सभी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक्स का कोफिशियंट और जो कॉन्स्टेंट टर्म है इन सबका सम बेटा जीरो है। आप सबने पढ़ा होगा कि जो ए एक्स स्क्वायर पर बी एक्स पर सी इक्वल टू जीरो में जो कॉफिशियंट ए बी सी इनका सम अगर बेटा क्या हो जीरो तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट वन होगा। और सेकेंड रूट क्या होगा, अपन जानते हैं अल्फा बीटा सी अपोन ए, अल्फा वन है तो बीटा आ गया सी वाई, बोलो हाँ है ना। तो इधर देखो सभी ये जो कॉफिशियंट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन सबका सम बेटा जीरो आ रहा है। देखो ना ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का है और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का है तो इन सभी कोफिशिएंट का सम जीरो है। तो 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट तो आ गया अल्फा इक्वल टू वन और इसका सेकेंड रूट क्या होगा बीटा इक्वल टू,
सी अपोन ए, सी का मीनिंग कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अपन को इस दोनों रूट पता चल चुके हैं। अब इसके बाद देखो, आप क्वेश्चन में आपने लिखा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जीरो है, उसी केस में क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर। तो डी जीरो का मीनिंग क्या, बोथ रूट्स आर इक्वल, इसका मीनिंग ये जो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, इसका मीनिंग क्या आ गया कि दिस पार्ट इक्वल टू वन। तो आप लिख सकते हो दिस पार्ट इक्वल टू वन, इसको वन की इक्वल करो। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ये जो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको लेफ्ट में लेके आओ, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो इसको देख के तो कुछ पता चल ही नहीं रहा कि किसमें होंगे, तो एक काम करें अपन इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो सीधा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आ गया ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। तो उसका मीनिंग क्या है, ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर आर इन एचपी, एचपी की कंडीशन होगी। अगर एबीसी आपके एचपी में तो क्या लिखते हैं, टू अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इससे आपको रिजल्ट मिल गया कि ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर आर इन एचपी, तो उसने यही पूछा था अपन से, ठीक है। तो बेटा एक यहां से भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन लेकर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे ले आओ, तो देन टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, फिर तो x क्यूब प्लस p जीरो x स्क्वायर प्लस p वन x प्लस p टू इज इक्वल टू जीरो, सो देन वैल्यू ऑफ दिस। अब इस इक्वेशन के आपके पास में रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो देखो इसको आप कैसे लिखेंगे, सो x क्यूब प्लस p नॉट प्लस p जीरो x स्क्वायर प्लस p वन x प्लस p टू इक्वल टू इक्वल टू। अब इसके रूट्स आपके पास में अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या वन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो यहाँ पे आपके पास में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो मैंने यहाँ पे वन ही लगाया, क्लियर है। अब अपने पास में देखो इसमें वैल्यू किसकी पूछी है, वन माइनस अल्फा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर वन माइनस गामा स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले तो एक्स इज इक्वल टू वन रख देता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये आपके पास में वन पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी टू इस फॉर्म में आएगा। सो ऑन राइट हैंड साइड भी है वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा वन माइनस गामा। अब अपने एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो इधर आपके पास में माइनस वन प्लस पी नॉट माइनस पी वन प्लस पी टू, तो उधर अपने पास में राइट हैंड साइड में माइनस वन माइनस अल्फा माइनस वन माइनस बीटा एंड माइनस वन माइनस गामा इस फॉर्म में आ रहा। अब यहां से आपके पास में माइनस, देखो एक माइनस कॉमन निकलेगा, क्लियर, तो वो माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये किस फॉर्म में आ गया, वन वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा एंड वन प्लस गामा इस फॉर्म में। वो जो इधर से माइनस आया इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हेयर भी है वन माइनस पी नॉट प्लस पी वन एंड माइनस पी टू। अब देखो इसमें आप पी नॉट और पी टू को इकट्ठा निकले लें, वन प्लस पी वन को इकट्ठा, अब अपने इक्वेशन वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो इसको देखो मैं किस फॉर्म में लिख देता हूं, थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूं, इसमें क्या करेंगे अपने, तो यहां पे वन प्लस पी वन और पी नॉट प्लस पी टू इस फॉर्म में, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, तो यहां पे आपके पास में वन प्लस पी वन, ठीक है, ये ए बनेगा और ये पी नॉट प्लस पी टू ये बी बनेगा, इधर ये ए माइनस बी आ गया, तो दोनों का अपने क्या है, जब मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई वन एंड टू, वन एंड टू दोनों को जब मल्टीप्लाई किया बेटा हमने, तो आपके पास में किस फॉर्म में आ गया ये, तो इधर प्लस पी वन का वन प्लस पी वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस पी नॉट प्लस पी टू का होल स्क्वायर होल स्क्वायर एंड ऑन राइट हैंड साइड भी है, सो वन प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा वन माइनस प्लस बीटा, सो दिस इज वन माइनस अल्फा स्क्वायर एंड वन माइनस बीटा स्क्वायर वन माइनस गामा स्क्वायर, सो its value is 1 plus p1 whole square minus p0 plus p2 whole square. So answer to this question is the first one. So next question. Question number 14 देखो. Minimum value of
एक्स माइनस पी का मोड प्लस एक्स माइनस 15 का मोड प्लस एक्स माइनस पी माइनस 15 का मोड इज। आपको इसकी मिनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और कंडीशन गिवन है कि जो एक्स है वो पी से ग्रेटर और 15 से लेस है और पी आपका 0 से 15 के बिटवीन है। देखो कैसे करोगे, आप एक काम करो थोड़ी देर के लिए इसको जेड लेट कर दो कि लेट जेड इक्वल टू एक्स माइनस पी का मोड प्लस एक्स माइनस 15 का मोड प्लस एक्स माइनस, इसको चलो ब्रैकेट में लिखते थोड़ा समझाने के लिए, पी प्लस 15 का मोड। अब इधर देखो सभी, ये अपन को पता है कि मोड के अंदर वाला पार्ट एक्स की जिस वैल्यू पे जीरो होगा उस पर क्या करते हैं ओपन। तो जैसे ये फर्स्ट मोड है ये एक्स इक्वल टू पी पे जीरो है, तो जब एक्स की वैल्यू आप पी से ग्रेटर लोगे तो ये मोड प्लस के साथ ओपन होगा और जब एक्स पी से लेस होगा तो ये मोड माइनस के साथ ओपन होगा। सिमिलरली ये एक्स ग्रेटर देन 15 पे प्लस के साथ और लेस देन 15 पे माइनस के साथ, और ये एक्स ये मोड कब ओपन होगा जब एक्स आपका पी प्लस 15 से ग्रेटर है तो प्लस के साथ और पी प्लस 15 से लेस है तो नेगेटिव के साथ। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को क्या पता चल रहा है कि जो एक्स है वो ऑलवेज पी से ग्रेटर है, तो एक्स जब ऑलवेज पी से ग्रेटर है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मोड तो बेटा डायरेक्ट आपका प्लस के साथ ओपन होगा। आफ्टर दैट देखो एक्स क्या 15 से लेस है, तो जब एक्स आपका 15 से लेस है तो ये मोड ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव, तो इसको आपको माइनस साइन के साथ ओपन करना है, तो ये आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस 15। उसके बाद आप अगेन देखो नेगेटिव, ये जो पी है आपका, पी आपका 0 से 15 है, पी को मिनिमम 0 लोगे तो इसकी मिनी वैल्यू क्या होगी 15 और पी को मैक्सिमम 15 लोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 13। इसका मीनिंग ये जो पी प्लस 15 है ये आपका 15 से 30 के बिटवीन होगा और एक्स आपका 15 से लेस है तो ये पार्ट तो आपका 15 से ग्रेटर है और एक्स आपका 15 से लेस है तो दिस मोड इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसको आपको माइनस के साथ ओपन करना है, तो ये आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस, चलो इसको माइनस अगेन मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो आ गया जेड इक्वल टू, देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट तो क्या आ गया माइनस पी प्लस 15, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स प्लस पी प्लस 15, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल तो फाइनली आ गया 15 और 15 30, तो ये आ गया जेड इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, मतलब आपको जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो इधर आओ जेड मिनिमम कब होगा जब एक्स आपका मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट में से जब आप मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करोगे तो जेड क्या आएगा बेटा मिनिमम, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलो 15, तो एक्स की जब मैक्सिमम वैल्यू आप 15 पुट करोगे तो उस केस में आ जाएगा जेड मिनिमम इक्वल टू क्या 13 माइनस 15 इज ऑल्सो 15, तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी 15, तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x2 + ax + b = 0 आर c एंड d, देन वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका एक रूट आपको ये जो इक्वेशन है इनमें से कौन सा एक रूट है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो आपके पास में c और d इसके रूट्स हैं, तो देखो जो c और d इसके रूट्स हैं तो d इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो c भी सेटिस्फाई करेगा, तो अगर d इसको सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास में d स्क्वायर + ad + b = 0 इस फॉर्म में लिखा, क्लियर। तो नेक्स्ट, अब इसमें देखो आपके पास में ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूं, x स्क्वायर 2cx + ax + c स्क्वायर + ac + b = 0, अब आपके पास में यहां से देखो ये तीन टर्म्स क्या है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x + c होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां से आपके पास में कॉमन क्या है, देखो a कॉमन है तो x + c + b = 0, जो आपके पास में गिवन इक्वेशन है उसके साथ में इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो यहां पे देखो इसका कांस्टेंट b है तो इसमें भी b है, तो इनमें और इनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ थोड़ा सा, यहां पे देखो इस इक्वेशन में हमने क्या x की जगह x + c डाला बेटा, तो x की जगह जब आप x + c डाला तो इसका मतलब क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस इक्वेशन में, तो d इसका रूट है तो d की जगह आपने क्या लिखा यहाँ पे, देखो इसमें ये देखो d इसका रूट हुआ तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके पास में, तो अब आपके पास में d की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ x + c, तो d = यहाँ पे आपके पास में x + c,
सो ये जो x की वैल्यू आएगी वो इस क्वेश्चन का एक रूट होगा. सो x इज इक्वल टू वी हैव हियर d माइनस c. सो दिस x इज इक्वल टू d माइनस c विल बी द वन रूट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो डी ऑप्शन इज सेकंड वन. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. If a and b are distinct positive real number such that this part are in AP and a b1 b2 b5 b are in GP and a c1 c2 c3 c5 b are in HP, then a3 x square plus b3 x plus c3 equal to 0 are. मतलब आपको इस रूट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन में गिवन है रियल एंड डिस्टिंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड इरेशनल एंड रियल. तो जब भी आपको रूट का नेचर चेक करना है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, डी. मतलब आपको डी चेक करना है कि डी नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो होगा. और डी क्या होगा इसका, बी थ्री स्क्वायर माइनस फोर ए थ्री सी थ्री. तो अपन एबीसी की वैल्यू की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं. तो देखो कैसे ट्राई करोगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन में मेंशन है ए कोमा ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री कोमा ए फोर कोमा ए फाइव कोमा बी इन एपी. तो देखो एक सिंपल सी कंडीशन है कि एपी के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड सेकंड लास्ट का सम, थर्ड थर्ड लास्ट का सम मिडिल टर्म के डबल होता है बेटा. तो ट्वाइस ऑफ ए थ्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू ए वन प्लस, सॉरी टू आ गया इसमें, तो टू ए थ्री इक्वल टू आ गया ए प्लस बी. तो इससे मिल गया ए थ्री इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू. तो देखना ढंग से ये ए थ्री क्या है, ए और बी का अर्थमेटिक मीन है. ए थ्री क्या है, ए और बी का अर्थमेटिक मीन. सिमिलरली नेक्स्ट बोला गया था ए कोमा बी वन कोमा बी टू कोमा बी थ्री कोमा बी फोर कोमा बी फाइव कोमा बी आर इन जीपी. तो जीपी के अंदर अगर और टर्म हो तो फर्स्ट और लास्ट का ज्योमेट्रिक मीन, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का ज्योमेट्रिक मीन वो मिडिल टर्म के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा. ये प्रॉपर्टी है बेटा. तो इससे आ गया b3 स्क्वायर इक्वल टू ab लिख सकते हो आप. क्या आ गया, b3 स्क्वायर इक्वल टू ab. और सिमिलरली एक कंडीशन और है a कोमा a कोमा c1 कोमा c2 कोमा c3 कोमा c4 कोमा c5 कोमा b आर इन HP. तो जैसे लेट अपन ने AP की बात की थी ना कि ये आपके AP में है तो मिडिल टर्म आपकी फर्स्ट और सेकंड का एवरेज होती है. तो सिमिलरली ये जो HP में है इसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो क्या होगा AP में. तो आप अगेन क्या बोल सकते हो, वन अपॉन ए वन अपॉन सी और वन अपॉन बी आर ऑल्सो इन एन AP. मतलब ये भी आपके क्या करेंगे, AP का फॉर्मेशन करेंगे. तो इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, सी थ्री इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. बोलो इसमें कोई डाउट है क्या. सिंपल सी बात क्या है, ये नंबर एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल किसमें होगा, एपी में. तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू. तो क्या आ गया, सी थ्री इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो देखो ढंग से, ये एपी की कंडीशन है, ये जीपी की कंडीशन है, ये एचपी की कंडीशन है. और ए एम जी एम एच एम में क्या रिलेशन होगा बेटा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच. ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट होगा. तो देखो अरे सिंपल सी बात है ना, फर्स्ट और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो इससे सीधा आ गया बी थ्री स्क्वायर इक्वल टू ए वन सी थ्री. यस, अब आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्या इक्वेशन है, ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स प्लस सी थ्री जीरो. तो देखो इसका डी क्या होगा, इसका डी लिख सकते हो आप बी थ्री स्क्वायर माइनस फोर ए वन, सॉरी बी टू स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी थ्री. ये बी टू है शायद, सॉरी बी थ्री था ये, सब कुछ बी थ्री है ना. हाँ ये लो बी थ्री करना इक्वेशन में, बी थ्री स्क्वायर माइनस फोर इक्वेशन में सारे क्या थ्री थ्री थे. तो डी आ गया इससे बी थ्री स्क्वायर माइनस फोर ए थ्री सी थ्री. और देखो बेटा बी थ्री स्क्वायर की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखो आपको पता चल जाएगा ए और बी आपके डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है तो उनके बिटवीन जो भी नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव. तो इसका डी क्या आ गया बेटा,
नेगेटिव और क्वार्टिक का डी नेगेटिव हो तो उसके रूट ऑलवेज कैसे होंगे बेटा इमेजिनरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 bx + c = 0 देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax + 1 होल स्क्वायर + bx + 1 x - 2 + c x - 2 होल स्क्वायर = 0। तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स पूछे, तो देखो इन दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटी आ रही है। तो देखो इसमें जो है ना आपके पास में x + 1 का होल स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या a है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट a है। इधर आपके पास में देखो x प्लस वन एक्स माइनस टू का कोफिशिएंट क्या आपके पास में b है, इधर भी b है। और इधर आपके पास में यहाँ पे x माइनस टू का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या c है, इधर भी बेटा c है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लाऊंगा थोड़ा सा, उसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या c है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप कॉन्स्टेंट टर्म दोनों में सेम बनाओ, ठीक है। फिर अब आपको ये पता है अल्फा इसका रूट है, तो देखो इसमें क्या करेंगे अपने, तो अल्फा इस क्वेश्चन का रूट है, तो मैं इसमें क्या करूंगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्स माइनस टू होल स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड द गिवन सेकंड इक्वेशन बाय एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, तो बेटा ये आपके पास में इस फॉर्म में आएगा x plus 1 upon x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस b x plus 1 upon x minus 2 plus c plus plus 0 c is equal to 0, ठीक है। अब देखो आपके पास में ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है यहां पर अल्फा में आपने ये वैल्यू पुट करने पर इसमें देखो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर दिस वन तो वी आर गेटिंग द दिस इक्वेशन, तो आपके पास में यहां पर अल्फा के इक्वल रखो इसे, तो x प्लस वन अपॉन x माइनस टू, तो जो x है वो इस इक्वेशन का है ना, ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालो तो वो इस इक्वेशन का आपको रूट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां पे आपके पास में x प्लस वन, ठीक है, तो इसमें आपके पास में ये हो जाएगा उधर, तो x कॉमन अल्फा माइनस वन एंड दिस इज टू अल्फा प्लस वन, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा आपके पास में टू अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, तो सिमिलरली फॉर बीटा, तो सेकंड रूट विल बी हियर टू बीटा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस वन, तो सिमेट्रिक है, सिमेट्री बन रही है यहाँ पे, तो आपके पास में so root do root of these equations are here we have so first option. So answer to this question is first option. So next question to the sir. Question number 18 क्या है? If a1 comma a2 comma a3 dot 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 an are rational number in HP, then root of the equation this part are. तो इसके root find out करने हैं आपको. तो देखो कैसे try करो question को. देखो जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें वन रूट आपका वन आ रहा है और एक माइनस वन आ रहा है, तो देखो अपन थोड़ा सोचते हैं, ये आपको आना चाहिए कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वन कब हो सकता है, ये फिक्स है जब कोफिशिएंट का सम ऑलवेज क्या होगा जीरो, जब कोफिशिएंट का सम ऑलवेज जीरो होगा तो उस केस में 100% वन रूट क्या होगा वन, और जब कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो होगा तो उस केस में ऑलवेज वन रूट क्या होगा वन, और एक कंडीशन हो रही है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म आपकी जीरो होगी, मतलब a माइनस बी प्लस सी जीरो होगा, उस केस में 100% क्वाड्रेटिक का a रूट बेटा माइनस वन होगा। तो अपन इसको कैसे ट्राई करेंगे कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन तीनों का सम या तो जीरो लाने की ट्राई करो या a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो लाने की ट्राई करो, तो उस केस में आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एक रूट वन होगा और सेकंड को अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे ट्राई करना है क्वेश्चन को, तो जो आपके कोफिशिएंट है इस पे देखो कैसे करोगे, ये जो मिडिल वाला कोफिशिएंट है इसकी बात करो आप, क्यों, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो a1 an और इधर आ रहा माइनस a1 an, तो अपन सबसे पहले ये जो x के कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे a1 और an की टर्म में। तो देखो क्या करते हैं, इसको अपन लेट कर देते हैं l, लेट l इक्वल टू a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डॉट 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 an माइनस वन इंटू an। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि a1 a2 a3 an आर इन HP, a1 कोमा a2 कोमा a3 डॉट 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 an आपकी किस में बेटा HP,
तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा एपी में, तो वन अपॉन ए वन कोमा वन अपॉन ए टू कोमा वन अपॉन ए थ्री कोमा डॉट 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 वन अपॉन ए एन आर एन एपी। ठीक है, तो देखो एपी की कंडीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस, सेकंड और थर्ड का भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी, ऐसे ही लास्ट और सेकंड लास्ट का कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा डी। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू वन अपॉन ए टू माइनस वन अपॉन ए वन इक्वल टू वन अपॉन ए थ्री माइनस माइनस वन अपॉन ए टू इक्वल टू डॉट 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 वन अपॉन ए एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस वन, ये लिख सकते हैं। तो देखो उससे क्या बेनिफिट होगा, मेरे को कुछ नहीं करना, ए वन ए टू ए टू ए थ्री सबकी वैल्यू को पुट करना है। तो जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डायरेक्ट यह आ जाएगा डी इक्वल टू ए वन माइनस ए टू अपॉन डी इक्वल टू ए वन माइनस ए टू अपॉन ए वन ए टू, इधर आ जाएगा ए टू माइनस ए थ्री अपॉन अगेन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन। तो इससे क्या रिजल्ट मिला आपका, ए वन ए टू इक्वल टू आ गया, डी को डिनोमिनेटर में ले आओ ए वन माइनस ए टू अपॉन डी। सिमिलरली डी इक्वल टू दिस पार्ट की बात करोगे आप तो ए टू ए थ्री आ गया बेटा ए टू माइनस ए थ्री अपॉन डी, और ऐसे लास्ट की बात करोगे आप तो डी इक्वल टू आ गया ए एन माइनस वन माइनस ए एन अपॉन ए एन इंटू ए एन माइनस वन। तो सब में आप इसकी वैल्यू पुट करो तो देखो क्या आ गया, माइनस वन ए वन माइनस ए टू अपॉन डी प्लस ए टू माइनस ए थ्री अपॉन डी डॉट 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 लास्ट में लिखोगे एन माइनस वन माइनस अपॉन ए एन अपॉन डी। तो देखो डी तो सब में कॉमन, और जब आप डी को कॉमन लोगे तो देखो माइनस ए टू से प्लस ए टू कैंसिल, सिमिलरली माइनस ए थ्री से प्लस ए थ्री कैंसिल, और ये ए एन माइनस वन से माइनस ए एन माइनस वन कैंसिल, तो ब्रैकेट में आ गया ए वन माइनस ए एन। अब आपको उस डी को भी एलिमिनेट करना है, तो देखो डी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, अगेन आप लिख सकते हो लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस, अरे एपी की लास्ट टर्म क्या होती है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू कॉमन डिफरेंस। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, वन अपॉन ए एन इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब आप क्या करो, आप वन अपॉन ए वन को लेफ्ट में ट्रांसफर करो, और वन अपॉन ए वन को जब आप लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो आ गया एन माइनस वन इन टू डी इक्वल टू, इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करके एलसीएम ले लो आप, तो ए वन माइनस ए एन अपॉन ए वन इन टू ए एन। तो देखो बेटा इससे अपन ए वन माइनस ए एन अपॉन डी n माइनस वन इंटू ए वन माइनस की वैल्यू क्या जाएगी, से ए वन माइनस ए एन अपॉन डी इसकी वैल्यू बन चुकी है n माइनस वन इंटू ए वन इंटू ए एन, और ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू मिली आपको, इस l की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब ये आ गया आपके पास n माइनस वन इंटू ए वन ए एन। और अब आप इस वैल्यू को पुट करो इसमें, n माइनस वन ए वन ए एन को पुट कर सकते हो आप इसकी जगह, तो ये आ गया n माइनस वन ए वन ए एन। और आप देखो ढंग से, ये ए वन ए एन है, ये माइनस एन ए वन ए एन है, तो इन तीनों कोएफिशिएंट को जब ऐड करोगे, ए वन ए एन पॉजिटिव माइनस ए वन ए एन नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, और एन ए वन ए एन पॉजिटिव और माइनस एन ए वन ए एन नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल। इसका मीनिंग आपने पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, उसको इसमें रिप्लेस करो, और जब कोएफिशिएंट का सम चेक करोगे तो सम क्या रहा, जीरो। तो इसका मीनिंग क्या आ गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो ऑलवेज क्या होगा वन, और एक रूट वन है तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी अपोने, तो कि अल्फा बीटा सी अपोने, अल्फा वन है तो बीटा आ गया सी अपोने, तो ये आ गया माइनस एन ए वन ए एन अपोन ए वन ए एन, ये कैंसिल, तो बीटा आ गया बेटा माइनस के वन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। तो बेटा 19th क्वेश्चन देखें, इफ द इक्वेशन 4x² - x - 1 = 0 एंड द सेकंड इक्वेशन 3x² लैम्डा प्लस म्यू इनटू x, तो लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट, सो देन रैशनल वैल्यूज ऑफ द लैम्डा एंड म्यू आर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा जो पहले जो इक्वेशन होती है, तो दूसरी इक्वेशन में जब आपको अननोन दिया हुआ है तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले आप चेक करो उसका डी कैसा है, क्लियर है। अगर डी उसका परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके दो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रैशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर में आता है। अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, क्लियर, बट ग्रेटर देन जीरो है, तो उसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे।
तो हमारे पास में देखो इस इक्वेशन का अगर अपने डी निकाले तो सॉल्यूशन यहां से तो 4x² - x - 1 = 0, सो इट्स डी वी हैव 1+ तो 16, तो ये आपके पास में 17 > 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इरेशनल। अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, दे आर इन अकरिंग इन कॉन्जुगेट फॉर्म में। तो इसके दोनों रूट्स, एक रूट उठाओगे तो दोनों रूट्स एक साथ जाएंगे ना, सो बोथ दी रूट्स ऑफ मतलब बोथ दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल आल्सो बी दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो दोनों रूट्स क्या आपके पास में दोनों इक्वेशन के कॉमन होंगे। तो इसमें फिर आपके पास में 4x² - x - 1 = 0 एंड 3x² + λ + μ into x plus λ - μ, सो ये दोनों के क्या है, हैविंग कॉमन रूट, टू कॉमन रूट्स, तो दोनों कॉमन रूट्स हो गए बेटा। तो आपको पता है कॉमन रूट्स के लिए क्या होगा, a₁ upon a₂ = b₁ upon b₂ = c₁ upon c₂, वो वाली कंडीशन मैं इसके ऊपर रख लेता हूं, तो 3/4 λ + μ upon -1 - here λ - μ upon -1 -1, तो आपके पास में λ μ में दो इक्वेशन आ जाएंगी, तो यहां से इसको और इसको ले लो, इसको इसको ले ले, तो देखो आपके पास में क्या बन गया यहां पे, सो -3 सो 4λ 4μ, क्लियर है। और इधर आपके पास में क्या आ रहा है, तो इसको अपने इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास में 4λ - 4μ एंड हियर भी है -3 माइनस, तो आप जब दोनों कर दो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर 8λ एंड -6, तो आपके पास में लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -3/4, क्लियर है। तो लैम्डा की वैल्यू जब -3/4 डालेंगे यहां पे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, μ = 0 आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर दी रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ दी लैम्डा एंड μ, -3/4 एंड μ = 0, सो व्हिच ऑप्शन इज हियर, हियर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो सभी, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको टू इक्वेशन गिवन है, x² - px + 20 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है x² - 20x + p = 0। तो क्वेश्चन ने क्या बोला गया समझो दोबारा, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट फॉर सम p बिलोंग्स टू r, मतलब p की कुछ वैल्यूज के लिए आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो तो बहुत इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, ये टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ओनली टू पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बोथ रूट्स आर इक्वल या वन रूट इज कॉमन। तो आप क्या करो, फर्स्ट केस में बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन को यूज करोगे, तो इन दोनों एक बार सिंपल सी बात है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p की वैल्यू कुछ भी फिक्स करो आप, जैसे लेट p को आपने 10 लिया बाय चांस, तो यार मैक्सिमम दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं या ओनली वन रूट कॉमन हो सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन में टू रूट कॉमन और वन रूट कॉमन की कंडीशन को यूज करना है। तो जब बोथ रूट्स आर कॉमन, जब बोथ रूट्स को कॉमन एड करोगे तो कंडीशन क्या होगी, a₁ upon a₂ = b₁ upon b₂ = -c₁ upon c₂, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, इसको सोल्व करने पे p₂₀ और फर्स्ट और थर्ड को भी सोल्व करने से p₂₀, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया p = 20, मतलब जब p को आप 20 लोगे तो बोथ रूट्स आर इक्वल। तो एक काम करते हैं अपन, इसमें p को 20 पुट करते हैं, किसी में पुट कर दो क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम होंगी, तो ये आ जाएगा आपके पास x² - 20x + 20 0, इसका d पॉजिटिव है, रूट रियल होंगे, तो इसको सोल्व करने पे आ जाएगा x = 20 + -√480 320/2, तो देखो x की टू वैल्यूज तो ये मिल चुकी है, इसने बोला कि p सम p बिलोंग्स टू r, p की कोई वैल्यू हो सकती है, तो p 20 होने पे इसके बोथ रूट्स आर कॉमन, तो दो वैल्यू तो आपको ये सेटिस्फाई करेंगी। उसके बाद सेकेंड केस क्या राइज करोगे कि ओनली वन रूट इज कॉमन, अपने काम करते हैं वन रूट अल्फा कॉमन लेट कर लेते हैं, तो लेट दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है अल्फा, तो अल्फा पुट करो, तो α² - pα + 20 0 एंड α² - 20α + p = 0। अब आप एक काम करो, ये सिंपल सी बात है, आपको अल्फा ही फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो आप इन दोनों को सोल्व करके अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सबट्रैक्ट करो, तो फर्स्ट में से सेकंड को जब सबट्रैक्ट करोगे
तो मैं लिख देता हूं, आप देख लेना, इसको सॉल्व करने पे आएगा अल्फा माइनस वन और पी आपका अगेन आ जाएगा 20। भाई अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो अल्फा तो माइनस वन होगा और पी 20। बट आप पी को 20 लेट नहीं करना इस केस में, क्योंकि पी 20 होगा तो ऑटोमेटिक दोनों रूट सेम होंगे और वो दोनों रूट यही होंगे बेटा, तो इसको लेने की अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई पी 20 पे तो ऑटोमेटिक सॉल्व कर चुके हो ना, तो ओनली एक रूट और आ गया अल्फा इक्वल टू माइनस वन, तो इसके टोटल कितने रूट मिले, 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सेकंड क्वाड्रेंट।